बच्चों, आज हम आपको विज्ञान का एक प्रयोग दिखाने जा रहे हैं। इस प्रयोग में है क्या? एक बर्तन में बिल्कुल बीच में देखिए एक सिक्का पड़ा हुआ है, दिख रहा? अब इस सिक्के को हम ऊपर उठाएंगे, हाथ से नहीं, इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। अब पानी डालकर दिखाते हैं। अब देखो, इसमें हम पानी डालते जा रहे हैं और आप देखते जाइए, अभी ये सिक्का डूबा नहीं है। जब ये सिक्का डूब जाएगा और सिक्के के ऊपर पानी आ जाएगा, हाँ देखिए, अब पानी सिक्के के ऊपर आ रहा है और पानी की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे पानी की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ये सिक्का ऊपर उठता हुआ दिखेगा, ये देखिए। और जितना ही पानी अधिक होगा, यानी ऊंचाई अधिक होगी, उतना ही सिक्का अधिक ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इस समय अब देखिए, इतना पानी हमने भर दिया। सिक्का पानी डालने से ऊपर कैसे उठा, इसको हम एक चित्र की सहायता से आपको दिखा रहे हैं। ये सिक्का पड़ा हुआ है, नीचे लिखा भी है सिक्का। तो इस सिक्के से जो प्रकाश की किरण चलती है, तो एक जो बिल्कुल सीधे चलती है तो अपने सीधे रेखा में चली जाती है, ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। जो दूसरी दिशा में प्रकाश की किरण एक हल्की सी दिखाई पड़ रही है, यहां से जाने के बाद जैसे ही पानी के पृष्ठ पर पहुंचेगी, वो क्या होती है कि दूर हट जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा अलग हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है, हवा एक विरल माध्यम है। तो नियम यह होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तो वो इस तरीके से जो एक लंबवत रेखा है जिसको अभिलंब कहते हैं, इससे दूर हट जाती है। ये देखिए, अभिलंब से दूर हट गई। अब इस किरण को पीछे बढ़ाया गया और जो एक पहली किरण थी जो सीधे अपने मार्ग पर गई थी, दोनों किरणें जहां काटती हैं प्रतिबिंब तो वहीं बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो नीचे पड़ा हुआ सिक्का कहां दिखाई पड़ रहा है? ऊपर। इसी कारण क्या होता है कि पानी या किसी तरल पारदर्शी पदार्थ में जो वस्तुएं पड़ी रहती हैं, वह अपने वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई देती हैं, कुछ ऊपर उठकर दिखाई देती हैं। यही क्रिया अपवर्तन कहलाती है।